कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुख करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की तरफ। खबर मसूरी से है, जहां होटल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में निवर्तमान कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी के समक्ष मसूरी के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। एक और जहां शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सतीश ढोंडलियाल ने भाजपा का दामन थामा, वहीं दूसरी ओर नगर पालिका सभासद गीता कुमारी जसोदा शर्मा के साथ ही दर्जनों लोग भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन और आदर्श आचार संहिता की धज्जियां भी उड़ती नजर आई, जहां सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बगैर ही लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। खबर रुड़की से है, जहां आजादी समाज पार्टी के प्रत्याशी गुलबहार अली बोले, हमारे सहयोग के बिना नहीं बनेगी सरकार। बता दें कि रुड़की विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के गुलबहार अली को अपने प्रत्याशी के रूप में उतारा है। आज समाज पार्टी के प्रत्याशी गुलबहार ने बताया कि समाज व समर्थन हमें मिल रहा है। भाजपा और कांग्रेस पर बोलते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियों ने क्षेत्र का विकास नहीं किया। विकास के मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा, युवाओं को रोजगार हमारे प्रथम मुद्दे रहेंगे। लालकुआ में आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए प्रत्याशियों की अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है, जिनमें लालकुआ विधानसभा से अपने अधिकृत प्रत्याशी शेखर पांडे की घोषणा करते हुए शंखनाद कर दिया है। आपके प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया के तरफ से जारी लिस्ट में लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी चंद्रशेखर पांडे ने कहा कि उनकी प्राथमिकता में लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के चौमुखी विकास के साथ पार्टी की ओर से घोषित मुफ्त बिजली, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। पार्टी के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए, जो भी उनके द्वारा जो गारंटी जो भी जारी की गई, उसके अनुसार उस दिशा में कदम उठाऊंगा और उसको पूर्ण करने के लिए पूरा सहयोग करूंगा पार्टी का। और साथ ही ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, तो मैं उसके विश्वास में खरा उतरने की कोशिश करूँगा। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये मुद्दे पार्टी द्वारा स्पष्ट कर दिए गए हैं, गारंटी भी जारी कर दी गई है और निश्चित तौर पर वो काम पार्टी आते ही जो उनमें दिशा में कार्य शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक राजस्व ग्राम की बात है, राजस्व ग्राम में थोड़ा समय इसलिए लगेगा क्योंकि इसमें पार्टी द्वारा एक कमेटी बैठाई गई है। वो कमेटी, क्योंकि इस पार्टी का एक विजन है और एक अपना सिद्धांत है कि जो भी बात कहना है, जो ज़मीन पर कर सकते हैं उसी बात को कहेंगे, सत्यता के आधार पर ही ये काम करते हैं। और उनके द्वारा बनाया गया जो भी उसमें निर्णय निकलेगा, जिस प्रकार भी सहयोग कर पाएंगे, वो हमारे जो है आप आने वाले समय में मांग पत्र में होगा। खबर चंपावत से है, टनकपुर में चुनावी माहौल में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए SDM हिमांशु कफ्टिलियाल, CO अविनाश वर्मा के नेतृत्व में अर्धसैनिक बल और टनकपुर पुलिस की टीम ने टनकपुर में फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें उन्होंने टनकपुर में मनिहार गोट, सालीन गोट व मेन चौराहे से होते हुए वापस टनकपुर कोतवाली पर फ्लैग मार्च किया। वहीं उप जिलाधिकारी हिमांशु कटपतियाल ने बताया कि उप जिलाधिकारी के निर्देशानुसार हमने टनकपुर में फ्लैग मार्च निकाला व जनता से आग्रह किया कि चुनावी माहौल में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखें। विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत हमने आज CO टनकपुर और मेरे द्वारा टनकपुर क्षेत्र में और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, मनिहार गोट और ज्ञानखेड़ा, यहाँ पे एक फ्लैग मार्च निकाला है। चूँकि अभी हमें ITBP की एक कंपनी अभी हाल ही में हमें मिली है, तो चुनाव हमारा जो माननीय चुनाव आयोग है उसके आदेशों के दृष्टिगत और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में ये फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और शांति व्यवस्था बनाए रखना था। गढ़वाल में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की ओर से जनपद में जिला पंचायत सभागार में स्थापित MCMC सेल्स का भौतिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने समाचार पत्रों में कई राजनीतिक पार्टियों के संबंध विज्ञापनों, आदर्श आचार संहिता से जुड़ी हुई खबरों के साथ ही निर्वाचन से खबरों का अवलोकन किया। इसी दौरान सेल में स्थापित किए गए TV के माध्यम से विभिन्न चैनलों और केबल नेटवर्क की निगरानी भी की गई।
खबर कलियर से है, जहां हरिद्वार डीएसपी ने कलियर क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अनियमितता पाने पर एक अन्य मशीन को सीज कर दिया और अन्य मशीनों की जांच की जा रही है। वहीं डीएफओ द्वारा हरिद्वार धर्म सिंह मीणा ने बताया कि कलियर क्षेत्र की आरा मशीनों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें एक आरा मशीन की सीज की गई है और रजिस्टर भी मैच नहीं कर रहा है और जो लकड़ी के रावण्य है वो भी मैच नहीं कर रहे। मशीन स्वामियों की स्पष्टीकरण मांगा गया है। कुछ आरा मशीनों को सीज किया गया है, इनके जो स्टॉक रजिस्टर है वो मैच नहीं कर रहे हैं और कंप्लीट भी नहीं है। जो लकड़ी है और रवन्ने हैं वो भी मैच नहीं कर रहे हैं। लेट सोर्स की वो अभी इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, सीज किया गया है दस्तावेजों को। और यदि अवैध क्राइम ऑफिस से अवैध सामने आ रहा है तो इसकी सीज किया गया है। और यदि इन्होंने पंजीकरण वगैरह और बाकी के दस्तावेजों में भी गड़बड़ी मिली तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस ने हेड स्पीच मामले में आज दूसरी गिरफ्तारी कर ली है। नगर कोतवाली पुलिस ने जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यानी नरसिंहानंद आनंद महाराज को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गुरुवार के दिन इस मामले में वसीम रिजवी जितेंद्र नारायण त्यागी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। वहीं वसीम रिजवी की रिहाई की मांग को लेकर यति सर्वानंद घाट पर अनशन कर रहे थे। हरिद्वार के में पिछले दिनों हुए धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में यति के खिलाफ भी शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रुड़की की खानपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी मनोरमा त्यागी ने भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, मनोरमा त्यागी का आरोप है कि आज वो लंढौरा में जनसंपर्क कर रही थी लेकिन भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें धमकाते हुए जनसंपर्क से रोक दिया। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी मनोरमा त्यागी के पुत्र श्याम त्यागी का कहना है कि वह नियम के अनुसार जनसंपर्क कर रहे हैं। मेन बाजार है, यहाँ पे पहुंचे हैं हम। तो यहाँ पहुंचने के बाद क्या हुआ है, चार लोग बीजेपी के, ये पता नहीं कौन थे, चार बीजेपी के आए गुंडे और आके हमारे कार्यकर्ताओं पे हमला करने की कोशिश करी है अभी की बात है। और साथ में हमारी जो आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी मनोरमा त्यागी जी, हमारी माताजी है, ये साथ में थी इन्हीं के सामने। फिर उसके बाद दो पुलिसकर्मी भेजे गए बीजेपी के कुछ नेताओं ने, उन्होंने पहले तो हमारे कार्यकर्ताओं से सारी पैम्पलेट और जो भी डोर टू डोर ये कैंपेन चल रहा है पाँच लोगों के साथ में, इसको रोका गया। रोक के फिर उसके बाद आगे के उन्होंने गाइडलाइंस कुछ दी, तो उस गाइडलाइन को ये पहले से फॉलो कर रहे हैं और करेंगे। गाइडलाइंस आर ओ की गाइडलाइन जो भी होगी वो हम फॉलो करेंगे, बट बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आके बाइकों पे हमारे कार्यकर्ताओं पे और हमारी प्रत्याशी मनोरमा त्यागी जी पे हमला करेंगे तो वो हम अच्छा नहीं करेंगे। और डीएम को हम आदेश करेंगे आज और पत्र लिखेंगे और आज मैं इस बात की FIR करूंगा। हरिद्वार में विधानसभा चुनाव के बीच एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की नकदी पकड़ी है। हालांकि ये रकम पुराने नोटों की बताई जा रही है जिसे बदलने के लिए लाया जा रहा था। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ और नोटों की गिनती का काम चल रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देर शाम एसटीएफ के इंस्पेक्टर अब्दुल कलास की अगुवाई में एक टीम ने कॉलोनी में छापा मारा है। उनके कब्जे से नोटबंदी से पहले चलने वाले करीब 4 करोड़ रुपए के पुराने नोट बरामद किए हैं। एसटीएफ के द्वारा पूर्व में प्रचलित नोट पकड़े गए हैं जो लगभग 4,47,00,000 रुपए हैं। इसमें 500 और 1,000 के पुराने नोट हैं और इस मामले में सात लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें 4 यूपी के हैं, 2 अमरोहा के, 2 मुरादाबाद के, 2 देहरादून के हैं और 1 हरिद्वार का है। इनसे पूछताछ चल रही है कि नोट कहां से लेके आए थे और इनका मोटिव क्या था, यह क्या करना चाहते थे, और फिलहाल इनसे पूछताछ चल रही है। खबर लश्कर से है, जहां अवैध खनन के खिलाफ उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने कार्रवाई की।
उप जिलाधिकारी के सूचना मिली कि कुछ खनन के लदे वाहन आ रहे हैं, जिस पर जिलाधिकारी लश्कर वैभव गुप्ता ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके से 5 ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। परिवहन के खिलाफ पूर्व से भी कार्रवाई की जाती रही है, तो इसी संबंध में कल भी टीम द्वारा दबिश दी गई। करीब 5 जो ट्रैक्टर ट्रॉली है अवैध परिवहन करते हुए पाई गई, तो उनको सीज कर दिया गया और उन पर कार्रवाई की जा रही है। लक्सर को अवैध खनन का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर प्रतिदिन ओवरलोड और अवैध खनन से भरे हुए वाहन सरपट दौड़ते नजर आएंगे, जिस पर प्रशासनिक टीम ने आज कार्रवाई करते हुए 5 ओवरलोड और अवैध खनन से भरे हुए वाहनों को सीज किया है। बहरहाल देखना होगा कि खनन माफिया इस कार्रवाई से रुक पाते हैं या नहीं रुक पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लक्सर से प्राइम टीवी के लिए रजनी सैनी की रिपोर्ट। तो ये थी उत्तराखंड की कुछ खास खबरें। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।